Hey everyone welcome to my handshake medical youtube channel i kritika divedi is again here with you to guide you and today i'm going to deal with very important remedy from boric materia medica of c group that is sitron so be with me from start to end to command this topic so without any delay let's get started तो आज हम बोरिक मटेरिया मेडिका की सी ग्रुप की एक बहुत ही छोटी बट साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी सिड्रॉन सिमारुबा फेरोजीनिया के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है इसका कॉमन नेम है रेटल स्नैक बीन इसका यह नाम क्यों पड़ा रेटल स्नैक बीन बिकॉज ये देखा गया कि जब स्नेक बाइट हो रही थी ये ऑब्ज़र्व किया गया कि स्नेक बाइट होने पर यह क्योंकि एक प्लांट रेमेडी है ठीक है तो इसका अगर बीन ले लिया गया उसको अगर इसके बीन को खा लेने पे इसके सीड को खा लेने पे जो स्नेक बाइट हो रहा हो रहा था वो एंटीडोट हो जा रहा था तो इसीलिए इसका नाम रेटल स्नेक बीन पड़ा ठीक है ये एक प्लांट ग्रुप की रेमेडी है साथ ही इसमें और क्या सिम्टम दिए गए हैं पीरियोडिसिटी इज़ द मोस्ट कैरेक्ट्रिस्टिक ऑफ दिस ड्र ड्रग इट मीन्स इसमें पीरियडिसिटी बहुत ही मार्ग है मतलब कि इसके जो सिम्टम होंगे वो सेम आर पे सेम टाइम पे इसका उसका रिपीटिशन होगा ठीक है इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन ट्रॉपिकल और इन डैम वॉम माशी कंट्रीज मतलब ये ऐसे एरिया पे यूज़फुल uh, है या दी जाती है जो एरिया काफ जहाँ पे काफ़ी डैम्पनेस है वॉर्म है माशी कंट्रीज़ के लिए है ठीक है इट हैज़ बिन फाउंड क्योरेटिव इन मलेरिया मलेरियल अफेक्शंस ये मलेरियल अफेक्शंस में काफ़ी यूज़फुल है स्पेशली न्यूरेलिया ये न्यूरेल्जिया में भी काफ़ी असरकारक है एडाप्टड टू पीपल विद अ वॉलचर्स डिस्पोजिशन एक्साइटेबल नर्वस टेम्परामेंट इट इसका मतलब कि जो इसके पर्सन होंगे वो काफ़ी एक्साइटेबल होंगे और नर्वस टेम्परामेंट के होंगे मतलब वो सारे काम अपने हड़बड़ी में जल्दी जल्दी कर करने वाले होंगे हैज़ पावर टू एंटीडूड स्नैक बाइट्स एंड स्टिंग्स ऑफ इंसेक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट यहां क्या था एक हमने देखा पीरियोडिसिटी जो कि कि इसका था, दूसरा कि ये एंटीडोट कर, कर रहा है स्नेक बाइट को और किसको स्टिंग ऑफ इंसेक्ट अगर स्नेक बाइट हो गया स्नेक ने काट लिया स्टिंग ऑफ इंसेक्ट अगर कोई इंसेक्ट काट लिया ठीक है तो उसके पावर को वो एंटीडोट करेगा और अगर हम इसके टिंक्चर के ठीक है जो इसका बीन है उसके टिंक्चर को अगर हम पे अप्लाई कर ले रहे हैं तो उसके लिए भी ये यूज़फुल है मानिया में भी ये यूज़फुल है हेड के इसके सिम्टम दिए गए हैं कि इसमें क्या है पेन है दर्द है कहाँ से कहाँ रेडिएट कर रहा है हेड का जो पेन है वो टेंपल टू टेंपल जाएगा और अक्रॉस द आईज आईज के अक्रॉस होगा पेन ओवर द इंटायर राइट साइड ऑफ द फेस ये भी इम्पॉर्टेंट है कि चेहरे पे जो दर्द होगा वो इंटायर राइट साइड ऑफ द फेस यानि कि चेहरे पे राइट right साइड में दर्द हो रहा है ठीक है साथ ही ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है देखिए यहाँ पर दिया है कमिंग ऑन एट अबाउट नाइन ए एम यानी कि इसका दर्द नाइन ए एम है हमने स्टार्टिंग में पहले ही आपको बताया था कि इसमें इसकी पीरियडिसिटी मार्गड है ठीक है इसमें इसकी क्या है पीरियोडिसिटी मार्गड है इसीलिए लिए यहाँ पर देखिए यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर दिया कि अगर नाइन ए एम में दर्द होगा तो हम इस रेमेडी के बारे में सोच सकते हैं और इसमें क्या दिया गया है क्रेजी फीलिंग फ्रॉम पेन अक्रॉस दी फोर जो इसका पेशेंट है उसको इतना ज़्यादा दर्द होता है फोर हेड में सिर में आगे की तरफ कि वो एकदम पागल जैसा हो जाता है एकदम क्रेजी फीलिंग उसको आती है और वर्स कब करता है वो पेन वर्किंग इन ब्लैकनेस जब वो अंधेरे में काम करता है तो वो उसका दर्द और भी ज़्यादा पेन वर्स हो जाता है उसका पेन ब्लैकनेस ठीक है ब्लैकनेस में रोरिंग इन ईयर्स और उसके कान में रोरिंग होगी उसको आवाज़ें लगेगी कि उसके कान में आवाजें आ रही हैं कुछ रोरिंग हो रहा है एज प्रोड्यूस बाई चाइना जैसा कि ऐसा सिम्टम हमें चाइना में भी देखने को मिलता है द होल बॉडी सीम्स नम विथ हैडेक मैनेजाइटिस ये मैनन्जाइटिस के लिए भी यूजफुल है पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसकी पूरी बॉडी नम हो गई है सुन्न हो गई है साथ ही उसको क्या है हेडेक है हेडक कैसा है पेन उसका टेम्पल टू टेंपल है फेस में क्या इंपॉर्टेंट है राइट साइड ऑफ द फेस में उसको दर्द है ठीक है राइट साइड पेन ओवर द इंटायर राइट साइड ऑफ द फेस हेड में क्या है टेंपल टू टेंपल, फेस में राइट साइड ऑफ द फेस और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है नाइन ए एम पेशेंट अगर बता दिया आ के कि हमें दर्द नौ बजे सुबह होता है ठीक है तो ये चीज़ किस में दिया है सिड्रॉन में दिया है आफ्टर दैट हम आते हैं इसके आइज़ के सिम्टम में तो इसमें आइज़ के सिम्टम में क्या है कि शूटिंग ओवर द लेफ्ट आई हमने फेस में क्या देखा था कि वहाँ पे पेन कहाँ था राइट साइड था इंटायर राइट साइड ऑफ द फेस था ये सिड्रॉन आइज़ के लिए भी एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है ठीक है आइज़ के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है आइज़ में शूटिंग पेन है शूटिंग पेन कहाँ पे हो रही है इसको लेफ्ट साइड ऑफ द आई में ठीक है सीवियर पेन है आई बॉल में जो आई बॉल है वहाँ पे इसको बहुत ही सीवियर पेन हो रहा है और वो पेन रेडिएट कर रहा है अराउंड द आई।, आई आई में चारों तरफ और कहाँ पे वो जा रहा है शूटिंग इनटू द नोज नोज पे आई का पेन रेडिएट करके नोज में जा रहा है नाक पे दर्द होगा स्कालकर जो लेक्राइमेशन होगा उसका कैसा होगा स्काल्डिंग छिलने जैसा होगा ठीक है सुप्रा ऑर्बिटल न्यूरेल्जिया भी है इसमें पीरियोडिकसिटी इसमें मार्ग है ही आइरस का इन्फ्लामेशन भी है हैड का भी इन्फ्लामेशन है आइस का ये सिम्टम हो गया अब हम एक्सट्रीमिटीज़ के सिम्टम्स को देखते हैं तो यहाँ पे क्या एक्सट्रीमिटीज सिम्टम में लैंसिनेटिंग पेन इन जॉइंट्स उसके जोड़ों में लैंसिनेटिंग पेन बहुत ही शार्प पेन होगा वर्स करेगा फीट एंड हैंड्स हाथों में पैरों में भी दर्द होगा सडन मतलब हाथों और पैरों में बहुत ज़्यादा हाथ के जोड़ों में पैर के जोड़ों में बहुत ज़्यादा उसको शार्प पेन होगा सडन पेन होगा कहाँ पे पेन इन द बॉल ऑफ राइट थम राइट थम में अचानक से उसको दर्द होगा गाउट वाला पेन होगा ठीक है और वो पेन एक्सटेंड करेगा अब ध्यान मतलब अगर उसके हाथों में अगर अंगूठे में दर्द हो रहा है तो वो ऊपर की तरफ आर्म में रेडिएट करेगा ठीक फिर टू द शोल्डर शोल्डर तक वो पूरा दर्द जाएगा और पेन इन द बॉल ऑफ राइट फुट और जो उसके पैरों में भी दर्द जो हो रहा है वो भी एक्सटेंड करेगा ऊपर की तरफ नी में मतलब हमने यहाँ पे क्या देखा एक्सट्रीमिटीज़ में कि बहुत ही शार्प पेन हो रहा है जॉइंट्स में गाउट वाला पेन है ठीक है अचानक से दर्द होगा जो कि हाथों में राइट थंब से एक्सटेंड करते हुए ऊपर की तरफ आर्म में जाएगा शोल्डर तक पूरा दर्द जाएगा और पैरों में राइट फुट दोनों ही क्या है पे? आ, यहाँ पे यहाँ पे पेन जो राइट फुट में है वो एक्सटेंड कर रहा है ये भी ऊपर की तरफ नी के नी के तरफ एक्सटेंड कर रहा है और क्या है इसमें शिंजल्स विथ रेडिएटिंग पेन यानी कि इसमें हर्पिस के भी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उसमें भी इसमें रेडिएटिंग पेन होगा ड्रॉपसी है नी ज्वाइंट का फीवर के भी सिम्टम है चिल्स टूवर्ड इवनिंग शाम के समय पेशेंट को ठंडा लगेगा और फ्रंटल हेडेक होगा सिर में उसको आगे की तरफ दर्द होगा बहुत तेज एक्स जो कि एक्सटेंड करेगा पेराइटल रीजन में जो हेड का रीज़न होता है ना फ्रंटल पेराइटल टेम्पोरल ठीक है तो फीवर में उसको क्या होगा कि शाम के समय उसको ठंड लगेगी चिल होगा ठीक है फिर फ्रंटल हेडेक होगा जो कि एक्सटेंड करेगा पराइटल रीजन में ये फीवर की बात है और आइज़ उसके रेड हो जाएंगे हीट गर्माहट उसको फील होगी विथ ईचिंग इन दी आइज़ आँखों में गरम गरम सा फील होगा साथ ही खुजली भी होगी आँख में ईचिंग भी होगी टियरिंग पेन है लिम्स में लिम्स में हाँ मतलब हाथों में पैरों में उसको एकदम फटने जैसा दर्द होगा नंबनेस है ठीक है उसको एकदम सुन्नपन लगेगा लिम्स में हाथों में पैरों में रिलेशनशिप भी इम्पॉटेंट होता है ये जो रेमेडी है सिड्रॉन ये एंटीडोट करती है लकैसिस को कंपेयर इसको हम कर सकते हैं आर्सेनिक और चाइना के साथ डोजेस की बात की गई है तो इसको हम टिंगशर टू थर्ड ट्राइचुरेशन में यूज़ करते हैं सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द रेमेडी सिड्रॉन आई होप यू लर्न द बेस्ट अगर आपको इसमें कोई डाउट हो कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो लेक्चर बनाऊं तो आप उसको भी सजेस्ट कर सकते हो सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग